हेलो दोस्त, आज है 11/10/2022 और कह सकते हैं ग्रुप डी की समाप्ति आरआरसी हुबली के साथ हो रही है। अगर सब कुछ सही रहा, कोई ज़्यादा कैंसिल नहीं हुआ, तो आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। अब पीटी के एंसर की का हम लोग और आप भी इंतज़ार करेंगे और उम्मीद है जो कैंडिडेट ने अच्छे से तैयारी किया है और आरआरबी ने जैसा पैटर्न चेंज किया है वैसे क्वेश्चन पे ढल गए तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और सफलता देने और लेने का अधिकार रेलवे और कैंडिडेट का है, तो केवल एनालिसिस कर सकता है। तो वही एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, कैंडिडेट कितने हैं हुबली में, आरआरसी हुबली, एसडब्ल्यूआर, आरआरबी बंगलोर में। पिछली बार यहाँ कटअप बहुत कम चला गया था और उस हिसाब से जितनी हुबली में कैंडिडेट पिछली बार भरे जाते थे उससे इस बार ज़्यादा भरी है फॉर्म। और फॉर्म भरने की डाटा हम बात करेंगे, लेकिन उस फॉर्म की डाटा से भी अभी हमारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट है कि जो 16 आरआरसी का एवरेज है वहाँ से कैंडिडेट अभी भी आरआरसी हुबली में कम है। बहुत सारे चैनल ने लोगों ने स्क्रीनशॉट दिखाया कि आरआरसी हुबली में अटैम्प्ट 95 हो रहा है, कोई 92 बता रहा है, कोई 98 हो रहा है। देखिए, अटैम्प्ट कोई यूनिट नहीं है, लेकिन हाँ ये तो श्योर है कि एग्ज़ाम लंबा चला तो कुछ लोगों को पता है कि अगर साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो साइंस 10 से 15 दिन में पूरी साइंस को कुछ न कुछ कवर कर सकते हैं, जिससे 2-4 नंबर तो बेनिफिट होता है। लेकिन वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कैंडिडेट किस नेचर का है, अपनी प्रकृति चेंज करता है या नहीं चेंज करता है, या बेसिक उसका कंसेप्ट साइंस का पहले से कैसा था। एक दिन में साइंस केमिस्ट्री के फॉर्मूले सारे नहीं आ सकते, इसलिए थोड़ा सा उसमें अलग अलग डिफिकल्टी लेवल हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना विश्लेषण की बात करूंगा। देखिए, डाटा 60-80% से ज़्यादा सही नहीं हो सकता, एक्सपेक्टेड कटअप के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे। तो मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी तक चैनल की तरह दावा नहीं करता कि मैं 100% सही बता रहा हूं, इतना ही कटअप जाएगा, ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे इतना नहीं आता कि मैं 100% सही बता दूं। लेकिन कोशिश करता हूं कि डाटा को नज़दीक में लेके आए, और डाटा को नज़दीक ले, जो चैनल पर सब्सक्राइब किए हैं उन्हें पता होगा कि कोशिश रहती है, हो सकता है हर व्यक्ति के लिए सूट नहीं करे। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद कुछ लोगों का कमेंट था कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ को हमें फ्री में दिया जाए। देखो दोस्त, पीडीएफ तो फ्री में, थोड़ी सी चीज़ें इशू रहती है कि कोई चीज़ अगर फ्री में हुई तो उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है और उसकी इज्जत भी बहुत लोग कम करते हैं। तो ई बुक पीडीएफ मैंने www.railwaylife.com पे डाल दिया है और यहाँ से सेक्शन है, ये ई पीडीएफ में आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, पीडीएफ की हम बात नहीं करेंगे, हम आपको वादा करते हैं कि इस चैनल पे 16 के 16 आरआरसी का जो अभी तक का पीडीएफ है वही आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप नोट कर ले एकदम लास्ट 2-3-4 लाइन तो आपके लिए काम आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के डिटेल में, सारा चीज़ करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे डिटेल में। डिटेल में हुबली का अगर बात करेंगे तो हमें ये डाटा तो सब लोग जान ही गए होंगे, जो चैनल पे हैं सबको पता हो गया कि ये स्टैंडर्ड रेशियो है। और ये रेशियो कहाँ से मिला है हमें, जो एग्जाम ने दिया है, रेलवे ने दिया है कि लेवल वन में 1,15,00,000 है, उसी 1,15,00,000 कैंडिडेट को मैं अलग अलग अपने तरीके से मैं एक क्या बनाया हूँ, कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं हर पोस्ट के अगेंस्ट कम्युनिटी वाइज, और उसी कम्युनिटी वाइज को नीचे ब्रेकअप किया हूँ। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आरआरसी हुबली लास्ट पेज का एग्ज़ाम था, अकेला है, यहाँ पे कोई और आरआरसी नहीं था। 6 से 11 अक्टूबर, 2 दिन, यानी 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, यानी 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, और 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है तो हर शिफ्ट में 6 टॉपर निकले, एक शिफ्ट में 1 टॉपर और 6 शिफ्ट में 6 टॉपर निकलेंगे। और ये ध्यान है कि बाकी आरआरसी से तो थोड़ा कम है, तो लोग कह रहे हैं कि ये अंतर पड़ेगा, तो अंतर तो ज़रूर पड़ेगा, 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, इसके साथ कोई और आरआरसी क्लैश नहीं किया है। टोटल कैंडिडेट की यहाँ बात करेंगे तो कितने अप्लाई किए हैं, 6,70,000 अप्लाई किए थे फॉर्म, वैकेंसी 7,167 थी, लेकिन कुछ फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण 6,18,000 के आसपास कैंडिडेट लगभग यहाँ बच रहे हैं, जो अभी भी स्टैंडर्ड से कम है। रेशियो की बात करेंगे यहाँ पे हुबली में, तो आरआरसी हुबली में रेशियो यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 98 कैंडिडेट हैं, सीबीटी के बाद अगर देखना चाहेंगे तब एक पोस्ट पे सीबीटी के बाद लगभग 60% का अटेंडेंस से 58-60% का कैलकुलेशन है। फॉर्म भरते वक्त 170 का रेशियो था हर पोस्ट का, लेकिन इसमें यूआर एसी एसटी का कोई अलग अलग बाइफरकेशन नहीं है, लेकिन वही काम हम नीचे करेंगे जिससे हम आपको समझाने की कोशिश करें कि एक पोस्ट पे इतने कैंडिडेट हैं तो कम से कम तो ये कटअप जाएगी।
और कटअप एक्सपेक्टेड है, कोई दिल पे लेने वाली चीज़ नहीं है कि रेलवे यही देगा। रेलवे अपनी कटअप बनाएगी, अपनी पास उनके पास डाटा होती है और उसी डाटा से आपको आगे शेयर करेगा। तो चलिए इन सारा चीज़ों को समझते हुए यहाँ पे हम कम्युनिटी वाई कैंडिडेट क्या देखें। तो सबसे पहले कम्युनिटी वाई कैंडिडेट से लाने से पहले हमें कम्युनिटी वाई वैकेंसी चाहिए। जो 7167 वैकेंसी है उसका ब्रेकअप इस प्रकार से है, यूआर में इतने कैंडिडेट हैं, एक बार बड़ा कर दूँ देखने के लिए। यूआर में 2745 कैंडिडेट है, एससी में 1138, एसटी में 570, ओबीसी के लिए 2006, और ये इतने फाइनल कैंडिडेट को लेना है। ईडब्ल्यूएस में 715 और टोटल 7167, उसमें से एक सर्विसमैन और सीसीए के लिए 1433 पोस्ट है, ये 20% है। और कुछ लोगों का ये भी क्वायरी था कि पिछली बार वैकेंसी 62,000 थी, इस वैकेंसी 1,00,000 है, तो देखिए इस बार 1,03,000 जो वैकेंसी है ना उसमें से 20,000 घटा दीजिएगा सीसीए का। पिछली बार सीसीए का कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किया था, मुश्किल से 2-5% क्वालिफाई किए थे, बाकी सीटें नॉर्मल को दी गई थी। तो ये यहाँ भी इस बार भी वैकेंसी आपको जो दिख रही है वो करीब करीब 80,000 के आसपास ही है, यानी पिछली बार से 18,000 के आसपास थोड़ा ज़्यादा है, बस इतना ही डिफरेंस है। पिछली बार से 18,000 ही ज़्यादा वैकेंसी है, ना सोचिए कि पूरी वैकेंसी ज़्यादा है। तो चलिए उसके बाद अगर रेशियो जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था, जो आरआरबी ने दिखाया था, मैंने स्टेप वन में दिखाया था, उस रेशियो को यहाँ पे मैंने डाल दिया हर कम्युनिटी के अगेंस्ट। उसके बाद हमने एक फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के कम्युनिटी बाई अप्रॉक्सीमेट कैंडिडेट लगा लिया। यूआर में 1,32,000, 1,94,000 आपके एससी में, एसटी में 56,000, 4,17,000 ओबीसी में और 24,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस में स्टैंडर्ड रेशियो है। लेकिन अगर हमने देखा ये इतना कैंडिडेट होते हैं तो जो हमने यहाँ पे डाटा बनाया, ये जो फॉर्म अप्लाई हुआ था 6,18,000 से कैंडिडेट क्या हो रहे हैं, कम हो ज़्यादा हो जा रहे हैं। यानी हम स्टैंडर्ड रेशियो से कहें तो आरआरसी हुगली में माइनस में है, यहाँ पे लेस देखिए सारा नेगेटिव में हर कम्युनिटी में वैकेंसी लाया है। यानी स्टैंडर्ड रेशियो से कम 2,00,000 कम कैंडिडेट है। देखिए कि आपने रेशियो देखा था तो 2,00,000 कम कैंडिडेट है, तो 2,00,000 कैंडिडेट को हर कम्युनिटी से हमने फ्रैक्शन करके बांट दिया, कम कर दिया। उसके बाद जो कैंडिडेट पहले यहाँ पे 1,32,000 थे, 1,14,000 यूआर में बच गए, उसके बाद एसी में 1,31,000 बच गए, उसके बाद एसटी में बच गए 1,19,000, उसके बाद ओबीसी में बच गए हमारे करीब करीब 3,40,000 और ईडब्ल्यूएस में बच गए वो 12,000 के आसपास। इसमें भी अटेंडेंस 60% मान के चलते हैं, अटेंडेंस कई जगह कम ज़्यादा भी है, तो हम मान लेते हैं एवरेज। जो अगर कोई गलती हो कैलकुलेशन में तो उसको नलीफाई करने के लिए, तो हमें दिखता है कि इतने में से इतने कैंडिडेट अब बच गए। यूआर में 68,000, 78,000 एससी में, एसटी में अगर बात करेंगे तो 11,000 और 2,04,000 ओबीसी में, और बच गए करीब 7,000-7,500 ईडब्ल्यूएस में। थोड़ा बहुत इसमें 5% डाटा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ये कैलकुलेशन फार्मूला के तहत किया गया है। और कैलकुलेशन करने के बाद अगर बातें करेंगे कि जो वैकेंसी थी उसके 3 गुना पीटी में जाना है, यानी 2745 का 3 गुना वैकेंसी में अगर लेना है तो वो पीटी में जाएंगे 3 गुना कैंडिडेट, वो हमने यहाँ पे ला लिया। तो इतने पीटी में कैंडिडेट जाने हैं यूआर से 8,235, 3,414 जाने हैं एससी से, एसटी से जाने हैं 1,671, ओबीसी से जाने हैं 6,018 और किससे ईडब्ल्यूएस से 2,125 जाने हैं। तो टोटल 21,501 लोगों को मौका मिलेगा पीटी में, जिनका भविष्य आज कंप्यूटर में बंद हो रहा है, कंप्यूटर में बंद यानी एग्ज़ाम आज समाप्त हो रही है 11/10/2022 को। तो इनकी भविष्य का जो देखेंगे तो एक और रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। अब क्या मिल गया कि हमें जितने कैंडिडेट सीबीटी में भाग लिए हैं वो मिल गया, और हमें कितने पीटी में जाना है कैंडिडेट मिल गए। तो इसको सिंपल सा डिवाइड कर सकते हैं, कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है। तो हमें एक रेशियो मिलता है, वो कैंडिडेट हर कम्युनिटी में मिल जाता है। यानी यूआर में एक पोस्ट के अगेंस्ट 8 कैंडिडेट हैं, एससी में अगर देखेंगे तो 13 हैं, एसटी में 6 यानी 7 के आसपास है, 33 ओबीसी में और 3, 3.5 या 4 कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस में है, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा तो होगा नहीं। अब उसके बाद लेकिन इशू ये है कि यूआर में कैंडिडेट सभी कम्युनिटी से क्वालिफाई करते हैं, ऑल क्वालिफाई इन यूआर, यानी यूआर ऐसा पोस्ट है जिसको अनरिजर्व करते हैं। इसमें यूआर बराबर एससी एसटी प्लस ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस और सेल्फ
यूआर भी होते हैं जो किसी कम्युनिटी में रिजर्वेशन नहीं होता, ये सारे मिला के यूआर होते हैं। तो यहाँ पे जब आएंगे तो हमें एक एनालिसिस के डाटा निकाला कि हुगली में 8% कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं, 52% ओबीसी वाले, 1% आपके एसटी से और 3% लगभग एसटी को। इन परसेंटेज को भी हमने एक कैलकुलेट करके एक फार्मूला में लाया है कि परसेंटेज को डाटा के टर्म में कैसे लाएँ। तो डाटा के टर्म में लाया तो हमें फाइनल डाटा ये मिल गया कि यूआर में एक पोस्ट के अगेंस्ट करीब करीब 27 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, एससी में 22, एसटी में 7, ओबीसी में 16.31 और 3.75 के आसपास करीब करीब ईडब्ल्यूएस में। अगर इसके अगेंस्ट बोले तो आपको आप ही कटअप बता दीजिए, मैं कटअप नहीं बताऊँ यहाँ से, तो क्या अंतर पड़ता है आपको? आपको पता है कि एक कैंडिडेट को जाना है कितने में से, 27 में से। तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि 50-52 में हो जाएगा, तो मैं तो कहूँगा कि नहीं होगा। पर 27 में इतने भारत में एजुकेशन इतना तो डाउन नहीं हो गया कि 27 कैंडिडेट 100 नंबर के क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें से एक भी कैंडिडेट 50-60 नंबर नहीं लाए, 70 नहीं 62 नहीं लाए, तो कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं। यही चीज़ बता है कि एक्चुअल अगर अगर डाटा में अगर गए हैं तो डाटा से अपने आप निकाल लीजिए कि इतने कैंडिडेट में से जाने हैं। और एक कैंडिडेट अगर जाता है तो किसी भी कंपटीशन का, मैं एक चीज़ भाई बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी कंपटीशन का बेस पॉइंट होता है 50%। अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो 50 नंबर बेस पॉइंट है, इससे कम में सिलेक्शन जनरली नहीं होता है, स्पेशल केस छोड़ के। जैसे मैं बोलूँ आईटीआई टेक्नीशियन का, तो आईटीआई टेक्नीशियन में 60 ट्रेड है, 70 ट्रेड है, इसमें अलग हो सकता है। लेकिन ग्रुप डी में क्या होती है, 10वीं कक्षा का विद्यार्थी जो भारत में है वो सब अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण से 10वीं से ऊपर वाले भी इसमें पीएचडी वगैरह वगैरह सब आते हैं, और जिसके कारण से 50% बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये तो सिंपल सी बात है, अगर 50% से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो ये कटअप तो हमने 60-62-63 बोल रहे हैं उस पर लोग कर रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमने तो 65 बोला था और कटअप 70 चला गया, तो फिर आपकी बात वही होगी कि फिर एनालिसिस कहेगा। तो एनालिसिस मिनिमम एकदम लगभग की नहीं हो सकती, और 60-70-80% से ज़्यादा आप सही नहीं बता सकते, इसलिए ऑफिशियल का वेट करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं डाटा पे, डाटा पे आएंगे तो पहले हम देखें तो हमारे हिसाब से हुगली में पिछले ईयर और इस ईयर का पैटर्न और क्वेश्चन पेपर कुछ कुछ पता चल रही है। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मालूम पड़ता, पता नहीं लोगों को मालूम चलता है सुबह की क्वेश्चन, शाम की क्वेश्चन, दोपहर की क्वेश्चन, मुझे नहीं मालूम पड़ता और वो कितना सही रहता है। कई लोग का तो मैंने कॉमेंट करते देखा है कि ये क्वेश्चन तो आरआरबी हुगली नहीं है, चेन्नई में पूछा था, चेन्नई नहीं दिल्ली में पूछा था मुझे, कि ये आज का नहीं 4 दिन पहले का है और लोग आज का बताते हैं। तो ये सब कंसेप्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ओरिजिनल डाटा ये कह रहा है कि 27 में से अगर एक कैंडिडेट का एवरेज जो हम देखते हैं, जो टॉपर होगा 6 शिफ्टों का, वो 62-65 लाएगा तभी सिलेक्शन होगा। हमें लगता है नॉर्मलाइजेशन से पहले, नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल में 100 के नज़दीक ही रहता है, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे एसी कैंडिडेट के लिए, तो एसी कैंडिडेट में मुझे लगता है 53-57। उसके बाद अगर बात करें एसटी में तो 50-55 पे हो सकता है एक उम्मीद बने, हालांकि ये कोई कन्फर्मिटी नहीं है कि यही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन लमसम मेरा यह है कि 7 कैंडिडेट है तो एक कैंडिडेट तो 50-7 में से ला ही देगा। उसके बाद बात कर रहे हैं हम ओबीसी की, तो 58-62, और बात करेंगे अगर यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस का, तो 56-60 के बीच में मेरा एक्सपेक्टेड लग रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है, ऑफिशियल डाटा का इंतज़ार करना चाहिए। बाकी अब कहेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए अभी निकालने में थोड़ा सा डबल पीएचडी करना पड़ेगा, अभी इतना हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं नोट नावल लिख रहा हूँ। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये है कि परसेंटाइल जहाँ लगती है किसी भी एग्ज़ाम में, वो 100 के नज़दीक ही होता है और ऊपर के साइड में ही होता है, ये तो मान के चलिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी इस पीडीएफ में अभी बहुत सारे डाटा भरने हैं, पीटी में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए, पीटी का कटअप किया गया, पीटी में कितने कैंडिडेट कम्युनिटी से एससी एससी एसटी ओबीसी से यूआर में चले गए वगैरह, फिर डीबी का फाइनल कटअप क्या रहा, सारा चीज़ इस पीडीएफ में भरना है, लेकिन अभी वो आगे की कहानी है। जैसे जैसे कहानी बढ़ेगा हम भी उस कहानी से जुड़ते चलेंगे और आपके साथ इसी पीडीएफ में शेयर करते चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।